हेलो एवरीवन सीयूटी यूजी का एग्जाम आपका कल से स्टार्ट है सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल द बेस्ट आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना कोई भी दिक्कत आती है तो अपने आप को पेशेंस से रखना और कोई भी दिक्कत है तो उसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करना अपना धैर्य मत खोना ठीक है तो ये आ, मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन रहेगा नेक्स्ट बात ये मैं आपको आज ड्रेस कोड बताने वाली हूँ कि आपको सी यू टी यूजी एग्जाम में क्या पहन के जाना है ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना रहे और एग्जाम हॉल में आपको आसानी से एंट्री दे दी जाए ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए मैं ड्रेस कोड बताने वाली हूँ ओके सो कुछ बातें ऐसी है जो कॉमन है बॉयज प्लस गर्ल्स के लिए और कुछ बातें स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं उनको मैं अलग से बता दूंगी पहले मैं कॉमन बातों का जिक्र कर लेती हूँ ठीक है तो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो आपको शूज नहीं पहनने हैं गर्ल्स जूतियां पहनती हैं जूती भी आपको नहीं पहननी है सिंपल स्लीपर आपको पहनना है या तो सैंडल आपको पहननी है और फ्लैट सोल होना चाहिए हील वाली सैंडल आपको पहन के नहीं जानी है ठीक है और बच लड़कों की भी बात कर दो अगर वो सैंडल पहन रहे तो हील ना रहे बिल्कुल फ्लैट आपको स्लीपर्स पहन के जाने हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए ठीक है और आ, आ, आपके आ, स्लीपर वगैरह में बहुत बड़े बड़े बटन या फिर बहुत चौड़ी पट्टी नहीं होनी चाहिए ये सब चीजें आप अवॉइड करना नेक्स्ट बात आती है आपके ड्रेस की ड्रेस में आप आ, हाफ स्लीव के कपड़े पहनोगे हाफ पहनोगे फुल आ, स्लीव के कपड़े नहीं पहनोगे ठीक है लड़के लोग शर्ट अक्सर फुल पहनते हैं तो आप शर्ट फुल नहीं पहनोगे आप शर्ट हाफ पहनोगे क्लियर और कोशिश करना कि आपके जो ड्रेस का कलर हो वो हल्के कलर का हो काला या डार्क नेवी ब्लू ये सब कलर्स का ना हो हल्के कलर का हो तो बेटर है ओके और जो आप नीचे नीचे पहनोगे नीचे ट्राउजर पहन सकते हो या लड़कियां लेगिंग्स और कुर्ता डाल सकती हैं लेकिन मेक श्योर sure कि आपका स्लीव्स हाफ रहे या फिर एटलीस्ट यहाँ तक रहे यहां तक आप नहीं पहन सकते ठीक है अच्छा ये तो बात हो गई कपड़ों की अब बात करते हैं आपके चश्मे वगैरह की तो चश्मा आप बिल्कुल जो आपका नॉर्मल आपका लेंस वाला चश्मा है जिसके बिना आपको देखने में दिक्कत होती है तो वो चश्मा आप पहन के जा सकते हो उससे कहीं कोई रोक टोक नहीं है लेकिन आप फैंसी चश्मे पहन के नहीं जा सकते गॉगल्स वगैरह लगा के नहीं जा सकते ठीक है आप मास्क लगा के जाओगे लेकिन वहां पे एग्जाम सेंटर पे आपको एक नया मास्क दिया जाएगा आपके अपने मास्क के साथ वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी आपको क्लियर उसके बाद आती है अः वॉच की बात वॉच आपको नहीं पहन के जाना है चाहे वो डिजिटल वॉच हो चाहे वो एनोलॉग वॉच हो आपको कोई भी वॉच पहन के नहीं जानी है एक भी वॉच आपको पहन के नहीं जानी है ठीक है उसके बाद आपको पेन लेकर के जाना है बॉल पेन लेकर के जाना है जेल पेन नहीं और वो पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए मतलब इसके आर पार इसकी रिफिल दिख रही है आपको ठीक है ऐसे पेन को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट पेन और आपको इस तरह का पेन नहीं लेके जाना है ऐसा पेन आप नहीं लेके जाओगे ठीक है ये ट्रांसपेरेंट पेन नहीं है ये ट्रांसपेरेंट पेन है ऐसा ट्रांसपेरेंट पेन आपको लेकर के जाना है क्लियर ये आपको किस लिए ले लेकर के जाना है रफ वर्क करने के लिए रफ वर्क के लिए आपको पेज वहां से प्रोवाइड किया जाएगा आपको खुद से लेकर के नहीं जाना है ठीक है तो ये सारी बातें हो गई और हाँ लड़कियां कोई भी अपने बाल अगर बांध रही हैं तो बहुत पतले बैंड से बांधेंगी मोटा बैंड आपका नहीं होना चाहिए कोई भी क्लिप वगैरह आप नहीं लगाओगे कोई भी मेटल की चीज आप नहीं पहन के जाओगे कान में नाक में कुछ भी पहनते हो वो सब निकाल के आपको जाना है आपके शरीर पे कोई भी धागा वगैरह नहीं होना चाहिए अगर आप पहनते हो तो उसे निकाल देना अदरवाइज हो सकता है वो कटवा दे बहुत बार ऐसा देखा गया है बहुत सेंटर पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं भी होती है पर नॉर्मली वो कटवा देते हैं ठीक है थीके? अगर आप हाथ में कुछ बांध के जाते हो या ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी पहनते हो तो वो सब आप अवॉइड करना पहन के मत जाना लड़कियां जो नेल पेंट लगाती हैं, नेल पेंट आपको लगा करके नहीं जानी है ठीक है नेल पेंट आप खाली रहोगे या ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा सकते हो बाकी कोई दिक्कत नहीं थी? ठीक है अच्छा और जैसे मैंने बताया कोई भी ज्वेलरी आपको नहीं पहननी है किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी सोने का भी आप पहन रहे हो कुछ भी आप पहन रहे हो कोई ज्वेलरी आपको नहीं पहननी है क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर टेस्ट करते हैं ठीक है थेके? तो उस टाइम आपका डिटेक्ट हुआ तो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है राइट अच्छा ये सारी बातें हो गई और जो आप कपड़े पहनोगे उसमें बड़े बड़े, बड़े बटन नहीं होने चाहिए छोटे छोटे बटन होने चाहिए नॉर्मल बटन होने चाहिए एकदम प्लेन कपड़े पहन के जाना ओके तो ये था आपका ड्रेस कोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई भी चीज ऐसी चीज मत करके जाना अपने आप को एकदम सिंपल रखना सादा कपड़ा पहन लो और स्लीपर पहन लो दैट्स सेट और कुछ भी आपको नहीं करना है अपने साथ एक पेन ले करके जाना है और भी चीजें आपको लेकर के जानी है वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ आपको वो मिल जाएगा ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी उसका लिंक मिल जाएगा और आ, आप बाद में भी मैं अपलोड करूंगी उस टाइम भी आप देख सकते ओके okay. तो ऐसा ड्रेस कोड रखना अपना आप ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए और कोई भी डाउट हो तो जरूर मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मैं आपको uh, उस uh, मैं आपके उस डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगी ओके okay? विश यू ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में